हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। अभी हम करेंगे आरआरबीपीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 15 2023 वाला ओली बोर्ड से। और इससे पहले हमने लगाया था मॉक टेस्ट नंबर 14। चलिए जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट एंड देखते हैं क्या हमारा स्कोर रहता है। और आप लोग भी शेयर करना अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये है क्यू ग्रेटर देन आर, क्यू क्यू वी हो गया, वी ग्रेटर देन आर सही है, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी हो गया, वी ग्रेटर देन ई हो गया, बोथ एच ग्रेटर देन एल, एच ग्रेटर देन वाई, वाई से फिर एच ग्रेटर देन एल नहीं बनेगा, ये ओ ग्रेटर देन बी, ओ ग्रेटर देन ओ ओ ओ ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन बी, ओनली सेकेंड ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये हो गया एच, एच से फिर आई सही है, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, एस ग्रेटर देन फिर एच, एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोथ हो गई है, सी ग्रेटर देन जेड, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन एक सेकेंड, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सही है, एम ग्रेटर देन क्यू, एम ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन क्यू ये भी सही है बोथ। दे आर द सेवन लाइट्स ए बी सी डी एफ जी एच हो गई, ओ प्लेस नियर सर्कल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड पॉइंटिंग इनवर्ड, ठीक है। दे ब्लिंक ऑन द डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू संडे, ओनली वन लाइट ब्लिंक ऑन दैट डे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया जी, जो कि सैटरडे को एंड आफ्टर, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, जी जो कि जी ब्लिंक ऑन सैटरडे आफ्टर बी बट बिफोर ए, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर बी एंड बिफोर ए, वन लाइट डी और जी एंड फोर लाइट आर प्लेस्ड ए और डी। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भाई, ये क्या बात हुई, जी ब्लिंक ऑन सैटरडे इमीडिएट आफ्टर बिफोर वन लाइट डी और जी, और या तो फिर ये होना चाहिए जी जो कि सैटरडे को है, वन लाइट डी और जी, डी और जी एंड पी एंड जी एंड फोर लाइट आर प्लेस्ड ए और डी, वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार, फिर ए और डी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ए इधर आ जाएगा, थ्री लाइट आर प्लेस्ड एक सेकेंड, ब्लिंक बिटवीन द डेज ऑन विच सी और जी, तीन हो गया, डी और जी इज प्लेस एडजेसेंट टू द लाइट दैट ब्लिंक ऑन ट्यूजडे, ठीक है, और एफ ब्लिंक ऑन वेडनेसडे एंड इमीडिएट आफ्टर प्लेस्ड प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ ए, फिर क्या है इमीडिएट आफ्टर ए हो गया, डी नाइदर ब्लिंक ऑन थर्सडे नोर एडजेसेंट टू द ई, सो ई इधर आएगा नहीं, ई इसमें इधर नहीं आएगा तो ई आ जाएगा इधर, जी ब्लिंक हो गई है एंड इमीडिएट आफ्टर, इमीडिएट आफ्टर बी और इमीडिएट
बिफोर ए, तो ये तो आई थिंक सही है। इसमें वन लाइट इज प्लेस्ड बिटवीन डी और जी, डी और जी हो गया, फोर लाइट इज प्लेस्ड बिटवीन डी और ए और डी हो गया, थ्री लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन डेज सी और ई हो गया, नाइदर ए और डी, ए डी और जी इज एडजेसेंट टू द, जो कि ट्यूजडे यानी कि सी के आसपास नहीं होंगे, ये डी और जी, सी इधर आएगा और सी इधर मान लेते हैं, तो डी और जी बन गया इधर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डी और जी इधर हो गया, ठीक है ये। फिर क्या है, और डी अगर इसमें नहीं है तो डी इसमें ही आएगा, बचा कौन सा, ए बी सी डी ई रह गया, ई जो भी आ गया हमारा थर्सडे, यहां से बना लेते हैं इनको। और क्या बचता है भाई, ये वाला कैसे फिक्स होगा, एफ इज ब्लिंक इमीडिएट राइट ऑफ ए हो गया डी, नाइदर ब्लिंक थर्सडे नोर एडजेसेंट टू द ई, डी और ई एक साथ नहीं है, तो ए ए बी इधर आ जाएगा, बस बन गया। देखते हैं लाइट डी ब्लिंक ऑन, डी कब है भाई, मंडे को, हाउ मेनी डेज फॉल्स और बिटवीन द डे ऑन विच बी एंड द नाइट ऑफ ई, बी और ई, बी और ई तो वो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, बी और ई एक साथ ही है, वट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, वन टू थ्री, फोर्थ टू द लेफ्ट, वन टू थ्री, थर्ड टू द राइट, तो ए और सी यानी कि सही बना है मेरा, इज ट्रू, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एक सेकेंड, सी इज इमीडिएट आफ्टर डी, सी इमीडिएट आफ्टर डी सही है, बी इज बिफोर ए, बी बिफोर ए और थ्री, तो सारे हो जाएंगे, ई इज प्लेस्ड एडजेसेंट ई और सी, ये तो नहीं हुआ भाई, सी इज ब्लिंक इमीडिएट आफ्टर द डी, ये तो ठीक है, बी ब्लिंक्स बिफोर ए, ये भी ठीक है, थ्री लाइट्स आर प्लेस बिटवीन एफ और जी, ये गलत है, तो ये यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्टेक हो गई भाई मेरे से, बिफोर थ्री लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एफ और जी, ओके एफ और जी ये बोला है ना, थ्री लाइट्स, तीन भी है और दो भी है, और ई इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द, ये उसे सारे के सारे सही आएंगे, ये सही है मेरा, ठीक है, एफ और, एफ और बी हो गया एक का गैप, जी और सी ये भी एक का गैप, बी और ए, ई और ए एक का गैप, सी और एफ ये भी सही है, बड़ी बेकार पजल थी यार सच में ये, गिवन गिवन टाइम, गिवन एक इसमें हो गया, दो दो हो गए, एल जी एक्स डी एम डी टी टी और आर एस, सो दो है टी ई और आर एस, ठीक है, फिर है टाइम की बारी, टाइम एक दो दो हो गए, एक्स डी एल जी एम डी ए डी और एन एफ, ए डी आ जाएगा, फिर ए डी टी और ए डी आर एस सी एन डी, इसका कोड हमें बताना है एन एफ एक एक इसमें, सो ब्रिंग बिलो बिल्ड बिल्ड हो गया एक, तो बिल्ड योर योर नहीं आएगा, माइंड माइंड भी नहीं आएगा, एक्स डी का एक्स डी एक दो तीनों में ही है, सो यहाँ पर हमारा योर योर हो सकता है, योर काइंड टाइम भी नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा, माइंड माइंड भी हो सकता है, ठीक है, फिर है टी और ई, टी का एक टी और ई जोर, तो इन दोनों में मिलेगा, टाइम नहीं है, अगो गिवन गिवन हो सकता है, गिवन डेट डेट भी तो आ सकता है, ये क्या बात हुई,
डेट बिलो के तो भी देखते हैं, डेट योर बिल्ड हो सकता है, ब्रिंग नहीं होगा, बिल गिवन और माइंड, तो ए और सी हो सकता है ये, ब्रिंग सिर्फ लास्ट वाले में, MDTM, टी और एम, टी एम हो सकता है, TMJT नहीं होगा, NF और XD, XD ठीक है। अगो का यहां से एक सिर्फ इसी में है, तो MK हो गया, AD नहीं होगा, RS भी नहीं होगा, T और E, T नहीं होगा, J और T भी नहीं होगा, तो TMMK 10% है जो कि, और ये हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है, जनवरी हो गया, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 3% F4A, D वर द थिंग बिफोर द J, 4% C और I, I हु बोट द थिंग इन द मंथ हैविंग इवन, I होगा 30 वाले में, 1, 2, 3, 4 है, और क्या है, E बोट द इमीडिएट, इमीडिएट आफ्टर G एंड ई बोट इमीडिएट बिफोर बी, तो ये है, और सी बोट द थिंग्स इमीडिएट आफ्टर एफ, सी इमीडिएट आफ्टर एफ। अब बनाना हम स्टार्ट कर सकते हैं, आई अगर इधर है, 1, 2, 3, 4, सी सी से ऊपर आएगा, ये तीन इधर नहीं बनेगा, 1, 2, 3, ए आ गया, दूसरा आई को हम रखते हैं इधर, 1, 2, 3, 4, सी एफ, तो फिर ये वाली चीज 1, 2, 3, तो ये नहीं पॉसिबल, ठीक है इसको हटाते हैं। अगर इधर मैं रखता हूँ आई, 1, 2, 3, 4, सी सी फिर ऊपर एफ नहीं आएगा, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, एक लास्ट रह गया जो कि है हमारा आई इधर, 1, 2, 3, 4, सी आ गया, एफ आ गया, फिर 1, 2, 3, ए इधर आ गया, ये खत्म, एफ और सी खत्म, और जी ई और बी इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, जी ई और बी आ गया, फिर आगे क्या, द नंबर ऑफ द पर्सन बोथ द थिंग्स बिफोर जी इज सेम एज द आफ्टर एच, तो 1 और 2 तो छोड़ गए, एच डी इधर आ गया, जे इधर आ गया, बन गया, और डी और आई एक साथ, एफ और सी एक साथ हैं, जे और ए, जी और बी नहीं है, जे बोट द थिंग्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इफ एच इज रिलेटेड टू द ऑगस्ट, डी इज रिलेटेड टू द जनवरी, हाउ मेनी पर्सन बोट द थिंग्स आफ्टर बी, 1, 2, 3, 4, 5, एच बोट द थिंग्स इमीडिएट बिफोर, द जे एंड एच थिंग्स इमीडिएट आफ्टर द सी, 9% है जो कि ये हो गई, और बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ओनली 1% बी एंड एफ, एफ लिव ऑन द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ सी, एफ बिलो द सी हो गया, और बी और एफ में एक हो गया, और डी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, डी हो गया थर्ड फ्लोर पे, और ई लिव्स इमीडिएट बिलो, ई लिव्स इमीडिएट बिलो ए, और जी लिव्स बिलो एच, एच हु लिव्स ओड नंबर ऑफ फ्लोर, एच इधर नहीं आएगा, एच आएगा ओड पर,
क्या 2% डी और बी, 1 2 बी इधर आ गया, ना ही तो सी और ए जो कि टॉप, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो भी देखते हैं बी और इधर एफ में हमें बनाना है एक, बी और एफ में एक हो गया, यहाँ से ये खत्म, फिर एच ओड पर फिक्स करना है, लेकिन कहीं भी हो सकता है यार, तो एफ इधर आ गया, ए और ई इधर मान लिया, दूसरी बार ए और ई इधर ही मानना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, एफ ए और ई इधर होगा या फिर ए और ई इधर होगा, ठीक है, तो ए और ई भी फिक्स हो गया, सी के नीचे एफ, एच के नीचे जी, यानी कि सी ऊपर आएगा तो सी इधर, और एफ के ऊपर सी इधर ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो भाई एच उसमें ऊपर होगा नहीं, एच बनाना ओड पे तो ये पॉसिबल नहीं है, अब इसमें एच ओड पर बनाना है और एच के नीचे हमें जी भी लेना है, तो एच ओड पर तो इधर ही आ सकता है, जी इधर आएगा, सी ऊपर नहीं हो सकता तो सी इधर, बच गया कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है क्या, या के, ओके ये हो गया, टॉप मोस्ट फ्लोर पर है के, हाउ मेनी पर्सन लिव अबोव द ऑन विच अबोव द फ्लोर ऑन विच सी, सिर्फ एक ही है, एडजेसेंट टू इच अदर के सी और एच, सही है, बी ई के सी और एच एडजेसेंट ये सारे, ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज द बॉटम मोस्ट, सही है, मोर देन 3 के और डी, 1 2 3 4 5 ये भी सही, यानी कि ए और बी, ये भी हो सकता है, एच इज इमीडिएट बिलो सी, सी हु लिव्स ऑन द 8th, यानी कि सारे ही सही है, इफ ऑल द पर्सन लिव इन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ए बी सी डी ई एफ जी एच फिर के, रिमेन्स द सेम पोजिशन, सिर्फ एक है, फिर देखते हैं ऑल फाइल्स और आगे क्या है, सम फैक्ट ओनली ए फ्यू डाटा, ओनली फ्यू डाटा इज फैक्ट, फिर बताना क्या इसमें, लॉजिकल फॉलो ऑल डाटा इज डाटा, ये नहीं होगा, नो डिट फैक्ट ये भी गलत है, ऑल फैक्ट कैन बी फैक्ट कैन बी ये हो सकता है बस, ऑल डेट इज फाइल ऑल डाटा कैन बी डेटा कैन बी फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है भाई, नो बुल इज काओ, ऑल काओ बफेलो, सम बफेलो शिप, नो शिप इज बुल, शिप बुल नहीं पता, नो शिप इज काओ, शिप इज काओ नहीं, और नो बफेलो इज बुल, बफेलो इज बुल ये भी नहीं पता, ऑल ऑफ दीज काउ इज शिप इज ए, सम काउ इज शिप इज ए पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, ऑल फैक्ट एक्ट, सम एक्ट फैक्ट ओनली फ्यू, ऑल आयरन इज सिल्वर, आयरन इज सिल्वर, नो कॉपर इज गोल्ड, सम गोल्ड इज नॉट द कॉपर, ये सही है, फाइव वेब सीरीज है जो कि जनवरी फेब अप्रैल मई जून,
जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। ट्रांसपेरेंट हूज इमीडिएट आफ्टर द क्यूबिकल और टू वेब सीरीज। ये आएगा ओड पर 31 पर, 31 पर ये इधर, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर एस्पिरेंट एक दो एक्लिप्स, ठीक है। होस्टेज पर नोट ऑन जून, क्या होस्टेजेस। दूसरा एक ब्रील बजिया, जून में यही आएगा। क्वेश्चन कौन सा रह गया, ये कैसे छूट गया मेरा। फैक्ट वाला ही मैंने किया तो था। ये कैसे रह गया भाई, ऑल फैक्ट, एक्ट, सम एक्ट, फैक्ट ओनली फ्यू, पैक्ट, टैक्स, डज नॉट फॉलो। ओके, कोई और भी तो नहीं था, डज नॉट फॉलो वाला। डज नॉट फॉलो कौन सा करेगा, ऑल टैक्ट इज फैक्ट, यही है। सम फैक्ट आर नॉट, एक्ट इज, ठीक है। हाउ मेनी सेट ऑफ टू लेटर्स नोट टी इज 7 टू द राइट ऑफ जी, 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। फिर ओनली वन पर्सन इज सिटिंग, एल और जी। थ्री पर्सन एम और एल, जी और एम। अब जी और एम में तो इसमें तो एक ही है, तो आर और टी में इधर दो होंगे। आर सिट हैंड ऑफ द, ठीक है, तो एक है इसमें, तो यानी कि एक दो आर हो गया। पांच, पांच है तो छः, दो तीन चार पांच छः, इधर आ गया आर। इस वन मोर हो गया, और आर जो कि सिट ऑन द एक्सट्रीम रोड, 2 पर्सन यू और आर, 1 2 इधर नहीं बनेगा, 1 2 यू और आर हो गया। द नंबर ऑफ द पर्सन ए और टी सेम एज यू और टी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यू 1 2 3, 1 2 3 ए हो गया, और एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पीपल आर सिटिंग, एम और जी, कम से कम दो, ज्यादा ज्यादा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। How many people are sitting between A or M? 4 5 6 7 8। How many total? 21। What is the position of T with respect to the G? 1 2 3 4 5 6 7 to the right. How many person U or L? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. K is sitting to the 5th to the left of T. 1, 2, 3, 4, 5. How many person? R or K? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, फिर है भाई, 8 different horses हैं जो कि were tied on the ground at different distance. B जो कि stand है, H, और A is 10 35 मिनट नॉर्थ ऑफ H, C जो कि 24 वेस्ट ऑफ A, और D 50 मीटर साउथ ऑफ होर्स D, साउथ ऑफ C हो गया, और E is 32 ईस्ट ऑफ D,
जी, जो कि 25 ईस्ट ऑफ ई इज स्टैंडिंग 30, जो कि साउथ ऑफ जी। 30 किसे बनेगा, 15 ही हो गया। ई इज 30 जो कि जी हो गया, और जी स्टैंडिंग ईस्ट ऑफ 25, 24 यहां से हो गया। तो ये तो 24 था, 6, 7, 8 ये है, बनाना कितना हमें 25, 8 ही हो गया। यहां से कितना चाहिएगा अभी हमें, और 25 चाहिए ना, 25 में से 17 और चाहिए, तो ये हमने 17 मान लिया। इधर क्या बनेगा, एफ जी जो कि ईस्ट ऑफ एफ होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिट स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। डी के नॉर्थ ईस्ट में है, ए भी है, एच बी है, और बी बी नहीं है, तो ए और बी। एन इज 50 टू द साउथ ऑफ ए, 35 इधर होगा। डिस्टेंस ई और एन का, तो यहां से 8 है, तो 8 ही होगा इसका। डी और जी, बी और ए, ई और सी, एच और जी हो गया, एफ और ए। इफ वी स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ एफ एंड टू द ईस्ट ऑफ, तो यहां पर वी और देन हु इज स्टैंडिंग टू द थर्ड ईस्ट ऑफ द वी, वी एंड बी आ जाएगा फिर, क्योंकि ये तो था 60, 17 गया, यही बनेगा। तो ये कितना है भाई, 17 है ये। सत्रह ये गया तो 30, 40 आ रहा है, तो ऐसे तो नन ऑफ दीज आना चाहिए ना। एफ का बोला है, एफ टोटल 25 तो था, 25, 8 ये तो 17, नन ऑफ दीज ही आएगा। ठीक है, आर इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन एफ, 1, 2, 3, 4, 5। द सेकेंड ओल्डेस्ट इज 41, ए इज 18, सी इज ओल्डर देन ए, आर इज नॉट यंगर देन सी, ए इज नॉट द यंगेस्ट, ए सी आर एफ बी। द फॉलोइंग इज 32 ईयर्स, 32 कौन होगा भाई, सी आएगा सिर्फ, सी डी और ई, ए पी सी डी ई एफ, ये क्या बना रखा है इन्होंने, 3, 5, 4, 1, 5, 3, 6, 10, 12, 7Q, MN, O, पी और फिर क्यू आएगा 17, 12, नहीं पता भैया। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं, आई द बोथ नन ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव, एन इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द ओनली ब्रदर ऑफ आर, एस इज द सन ऑफ टी, और टी इज द मदर इन ऑफ वी, T is not married to R, A is married to C's brother, I think ये बनना चाहिए।
इज द कजन ऑफ द एन, एन का कजन है एस. टाइम का ही पता ही नहीं चला. ओके सो टोटल जो है 8000 सॉफ्टवेयर है इन सेल. टोटल नंबर ऑफ, एक काम करते हैं ना, इसको अभी एक बार रहने देते हैं, छोटे क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से. यहां से इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार. माइनस का 6 2, फिर माइनस 23 और 1 24, फिर माइनस 22, फिर माइनस 15 20, तो ये हो कितना रहा है. यहाँ से माइनस 18 करेंगे 85, 5 2 7, 7 में 67, प्लस में 29, फिर प्लस 8 आ गया, 8 में से 5 2 हुआ, और यहाँ से 80 87, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, अपन जो 45, 4 5 145, 296, 11 4 4 4 1. यहाँ पर कितना हो रहा है, 20 में 47, फिर 48 49, माइनस करेंगे 63, फिर प्लस नहीं पता, फिर माइनस, फिर प्लस 9, 3 4 5, प्लस का 25, 31 में 56, प्लस 3, प्लस 12 13 14, फिर प्लस 6, फिर प्लस किया इसने 1 और 6. तो ये आई थिंक कुछ क्या हो रहा है, एक दो तीन चार, 4 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, ये प्लस कैसे हुआ पता नहीं भाई, छोड़ो. यहाँ से ये माइनस होगा और माइनस होगा तो ये होगा माइनस और प्लस, कितना बनेगा 5 2 5 4 7, 14 और 25, ये बना. यहाँ से 9y² - 18y + 5, दोनों ही प्लस प्लस, इंटू में 9, और यहाँ से कितना 126, तो ये बन गया 25 निम्न 225, ये कितना बनेगा, और 5 3 15 और 3, 15 और 3 बना, इंटू में 35 करेंगे, 35 दिए 70 105. तो एक बार छोटा और बड़ा ये बन ही रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही आएगा, निकालने की जरूरत है नहीं. 79 87 74, तो 9 और 7 16 20 2 7 8 24, 2 2 4 2 8 8 24, 30. 81 - 7 49, 30 32 हो गया इक्वल टू एक्स माइनस 6 24, 24 उस तरफ 56, 60 हो गया, ये 6 पे गया 10, माइनस 6 24 प्लस 8 18, तो माइनस आएगा 6, 3 3 6 डिवाइड बाय 21 इंटू में 40, कटेगा ये 1 1 2, 7 7 1 7 7 6 42, 16 6 64, 13 जाएगा तो 27 आएगा. यहाँ से प्लस 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 इंटू 4, और 3 2 6 और 2 आएगा, ये तो ऊपर 11 और 3 11 44 4 12, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, प्लस माइनस 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 हो गया, 5 पर जाएगा 2 और 3 23 और 5 आ गया, और यहाँ पर 10 और 5 ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई,
ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो कि टोटल है 8,000 इन द सेल ऑफ द सॉफ्ट टॉय बी इन जुलाई, बी इन जुलाई 33 इज इंक्रीज बाय द, तो ये है कितना 80 × 33 जीरो 8 3 24 2 24 25 और 1 26, इसका 10% 264 4 0 9 2 ये हो गया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बी इन जून टू द ई इन जुलाई, ई इन जुलाई ई कितना है भाई 5 of 80, कटेगा ही नहीं यार ये तो। ओके 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 गलत कर दिया मैंने, 2 6 ये है 80 × 33, ये जो है 110 की वैल्यू है, तो यहाँ से हम 100 के निकाल लेंगे रेशियो 5 × 80, ये है 80 से 80 कैंसिल, ये गया 5 6 2, ये गया 3 3 6 और 1। इन जुलाई हाउ मैनी मोर सॉफ्ट टॉय सोल्ड फ्रॉम सी, सी है 27 एज कम्पेयर टू द ए 12, 12 8 96 फ्रॉम ए और ई, ए हो गई ये और ई है ये 20, 75% यानी 15 सॉफ्ट टॉयज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई एंड द रेस्ट इज सेकेंड एंड द रेस्ट जो कि 15 का 5 निकाल लेना 8 5 40 400 सेल ऑफ सॉफ्ट टॉय इन स्टोर सी ए बी और सी 27 इज व्हाट परसेंट मोर देन द बी और डी और ई, क्योंकि 25 यानी 2 25 जाएगा 4 पर 4 2 8 8 8 64 बनना चाहिए ना, ए बी और सी 27 के एवरेज पूछा, एवरेज है तो 25 / 2 कितना बनेगा ये 12.5, तो यहाँ से 13 मान लेते हैं 14.5 कैंसिल 5 4 5 गया 2 9 और 9 4 36 3 छ है किसी में, 6 तो 2 है और 4 2 8 9 10 11 100 ठीक है। तो अभी है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन टू द सेल ऑफ टायर, द नंबर ऑफ द टायर रिमेंस अनसोल्ड, प्रोडक्शन इतना हुआ है और सेल इतनी हुई है, उसके बाद निकल जाएगा ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, प्रोडक्शन सेल और अनसोल्ड, अनसोल्ड का भी बनाना पड़ेगा ये। अनसोल्ड हो गया, अनसोल्ड प्रोडक्शन इतनी सेल इतनी हो गई 2 1 की वैल्यू 7 747 49 और 7 5 35 1400 ही हो गया, इसका पता नहीं हमें, 1 की वैल्यू है तो 2 2 4000 होगी और 3 2 6 ये नहीं पता, और यहाँ पर 25 5000 यहाँ पे 1250 है तो 1 2 3 3750 ही आएगा, लेकिन ये मैंने गलत लिख दिया, ये इधर आएगा ठीक है। आगे देखते हैं हाउ मच हाउ मेनी मोर और लेस टायर सोल्ड इन अगस्त, अगस्त में सोल्ड एज कम्पेयर टू द जून 500, द इक्वल नंबर ऑफ द टायर सोल्ड इन जुलाई और अगस्त, सोल्ड सेल जुलाई और अगस्त में यानी कि 4000 ये तो 4000 5 रिमेन्स अनसोल्ड, अनसोल्ड की वैल्यू ये बतानी 800, प्रोडक्शन ऑफ द अक्टूबर टू अगस्त, अक्टूबर टू द अगस्त 5:6 ये कैसे हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द टायर इन अक्टूबर जो कि ये है एंड द सेल ऑफ ओके सेल तो 5:4 आएगा ये, फिर द प्रोडक्शन ऑफ द टायर इन सेप्टेम्बर इज डिक्रीज बाय, सेप्टेम्बर में जो है प्रोडक्शन 25 प्रीवियस ईयर
इसका हम 4500 कर देंगे, 4500 आएगा। देन हाउ मैनी टायर सोल्ड इन, सोल्ड का कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 गया तो 25, 26, 27, और अक्टूबर में सोल्ड कितने हुए हैं, 37, 0, 5, 4, 64, 50, 1100 टायर सोल्ड इन नवंबर एज कंपेयर टू द लेस टायर, ओके देन द जून, जून से 1100 कम, यानी कि 2400, 2400 अगर तो टोटल हो जाएंगे 3000, प्रोड्यूस इन नवंबर 3000। फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि है ये जे के एल और एम, टोटल में 300 हो गया, और ये कितना है 10, 20, 30, 180, 100 हो गया, 390, इधर हो गया 250। फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन द मेल और फीमेल, इन ईच कंपनी मेल इज मोर देन फीमेल, मेल और फीमेल जो कि पहला है 60 का, यानी 240, 240 का 120, 120, 180, 120 गया तो बचा 60, 60 का 30, ये बचा हुआ 150 ही हो जाएगा। अब भाई इसमें 70, 70 जाएगा तो 320 बचेगा, 160, 0, 3, 2, 30 जाएगा तो 220, 110 और 140 आ जाएगा। फाइंड द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी जे और के आर फीमेल, जे और के फीमेल 150, टोटल हो जाएंगे 084, 5 आ गया 16, 25, 4, 125, 4 थी 12, 31 पॉइंट समथिंग। इसको एक बार मार्क करते हैं, हाउ मेनी मेल्स इन द के और एम, के और एम 290, द नंबर ऑफ द फीमेल इन एल और एम टुगेदर, एल और एम 072, व्हाट परसेंट ऑफ द मेल इन जे 1832, यानी कि 150 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल इन द कंपनी एम, मेल इन कंपनी एम 140 टू द फीमेल जे और एल, जे और एल 082, 7:14, 1:2 आ गया। इफ 1/5 ऑफ द मेल एंड 1/4 ऑफ द फीमेल एल, एल का है मेल है जो कि, और फीमेल 40 हो गया, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 ही हो गए। वर्क इन द मॉर्निंग, तो इवनिंग का हमें बताना है, तो 4 आ गया, 22 में से 18, 120, 4, 304, मॉर्निंग का ही बताना है, 6, 8, 86 आएगा। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी एन ईयर अगो इतना था, एन को हम बता ही नहीं सकते, सी एन डी आएगा। द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 10 और 9, इफ द आइटम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, यानी कि 90 की जो वैल्यू है 100, 1/8, तो 1 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, 1 सेंट प्रॉफिट होता है ना, 1/8, तो 1 प्रॉफिट तो 80 आ गया। मार्क प्राइस अब वो 20, 1/4, 20% का है, 25% सॉरी। ए और बी, ए बी और सी, ए बी और सी 5, 7, 4, और पीरियड जो है 3, 2 और 4, 15, 14 और 16। ओके सो टोटल जो स्कोर बना है 64। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा एक बार, जो कि ये था टोटल अर्न इतना था, तो 30, 45 की वैल्यू 4, 3, 2, 0, 15, और यहाँ पे कितनी बनेगी 14, 42,
3 0 15, फिर 5 पर 4 दिए 12, 12 गया तो कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। चलो जो भी है बाद में देखते हैं, अभी इसको एनालिसिस करेंगे अभी इसका। तो अभी मैं आपको स्कोर दिखा स्कोर तो दिखाई दे, परसेंटाइल चेक करा देता हूँ कितनी बनी है। ये रहा 64 आए हैं और परसेंटाइल जो आई है 99, 4000 समथिंग नहीं लगाया अभी, 48 मेरी रैंक है। आप लोग लगा लेना इस मॉक टेस्ट को और बताना क्या स्कोर आया आपका। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।